प्रिय मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पानी में ग्रो होने वाले पौधों के बारे में। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। मित्रों ध्यान यह रखना है कि जहाँ भी आप इसे पानी में ग्रो कर रहे हैं वहाँ हवा का आवागमन होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये मनी प्लांट का पौधा है और इसे पोथोस सिल्वर वाइन के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा आसपास की हवा को शुद्ध करता है। यह बारहमासी पौधा है। यह एक बेल के रूप में बढ़ता है। इसे आप धागा बांध करके और किसी दीवार पर या कहीं किसी जाली में आप इसको चढ़ा सकते हैं। यह पौधा घर की खूबसूरती को बढ़ाता है, यानी चार चांद लगा देता है। और मित्रों ऐसा भी माना जाता है कि इसे घर में लगाने से घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ घर में धन की बढ़ोतरी भी होती है और साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों इसे देखिए मिट्टी में भी लगाया जाता है, साथ ही साथ इसे पानी में भी लगाया जाता है। पानी में भी इसकी रूट डेवलप होती है। देखिए मैंने इसे पानी में कुछ दिन पहले लगाया था और इसमें रूट आ गई है। देखिए कितनी अच्छी इस पौधे की ग्रोथ है। मित्रों जब भी मनी प्लांट ग्रो करते हैं पानी में तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कांच का ही बर्तन होना चाहिए या प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्लस कोशिश ये कीजिए कि दो तीन नोड इसकी अंदर जानी चाहिए, जैसे नोड है ये नोड है और ये देखिए ये नोड है और एक ये जो है इसमें ये भी नोड थी, हमने काटा था इसको, तो दो नोड अंदर जानी चाहिए तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और रूट डेवलप करेगी। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है मित्रों कि 15 दिन में एक बार, ये देखिए इनो है और इसे एक चम्मच एक लीटर पानी में डाल करके पौधे में स्प्रे करना है, प्लस थोड़ा एक चम्मच यानी मिक्स पानी पानी में मिला हुआ इसमें डालना है। किसमें? जो आप बोतल में जिसमें मनी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं इसमें मिला दीजिए तो इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। यानी कहने का मतलब यह है एक चुटकी इनो पाउडर इस पानी में डाल दीजिए। दोस्तों यह है स्पाइडर प्लांट का पौधा, इसे एयर प्लेन प्लांट रिबन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। मित्रों इसे इसका नाम इसके लटकते हुए स्टेम्स या तनों की वजह से मिला है। देखिए ये लटक रहे हैं इनके स्टेम्स तने, यह बिल्कुल घास जैसी पत्तियों के गुच्छे जैसे दिखते हैं। इस पौधे को इंडोर प्लांट के रूप में ड्राइंग रूम के कोने में खिड़की एवं बालकनी में भी रख सकते हैं। यह पौधा हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। दोस्तों इसकी सड़े पत्तियां कितनी खूबसूरत है, देखिए कितनी खूबसूरत है। अगर आप इसे आउटडोर में रखना चाहते हैं तो सड़ेड एरिया या ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। इसकी रूट्स को पानी में डेवलप किया जा सकता है। इसका प्रोपोगेशन देखिए मैंने किया हुआ है, बहुत आसान है, इसे रूट डिवीजन से प्रोपोगेशन किया जा सकता है। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे लगा सकते हैं। मित्रों देखिए मैंने इसे पानी में ग्रो किया हुआ है, देखिए ये देखिए रूट्स है इसमें और देखिए ये रूट्स है, दिखाई दे रही होगी, देखिए ये रूट्स है, देखिए मित्रों ये रूट्स, अच्छा इसमें भी रूट्स आई हुई है और ये देखिए इसमें भी रूट्स है। ये थोड़ा पानी डालना है, शीशे के ग्लास में ही करना है और इस प्रकार से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये बेबी प्लांट से मैंने किया हुआ है, देखिए ये बेबी प्लांट दिखाई दे रहा है या इसी को निकाल करके और मैंने ग्रो किया हुआ है और इससे बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी होगी और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। इसे आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं शीशे के बर्तन में। दोस्तों यह है सिंगोनियम प्लांट, इसे एरोहेड प्लांट और गूस फुट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यह इंडोर प्लांट है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। आप इसे खिड़की पर ड्राइंग रूम के कोने में और बालकनी में भी रख सकते हैं। इसे आप हैंगिंग गमले में भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसे मिट्टी में ग्रो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसे पानी में भी ग्रो किया जाता है और इसे आप पानी में ग्रो जब भी करते हैं तो ध्यान देना है कि ये शीशे के ग्लास में होना चाहिए, इसकी ग्रो बहुत अच्छी होती है। या आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक
यानी कोई बोतल ले लें, उसमें भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है मित्रों, कि जब भी आप इसे लगाते हैं तो कोई पत्थर का टुकड़ा इसमें रख दें। पत्थर का टुकड़ा रखने से देखिए, जैसे मैंने पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं इसमें, देखिए ये, तो इससे क्या होगा कि जो भी इसकी रूट है नीचे, वो हल्की सी या पेड़ को हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा, पेड़ हमेशा सीधा रहेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। ये लो मेंटेनेंस का पौधा है दोस्तों। देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट डेवलप हुई है, देखिए देखिए मित्रों, ये वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा है आपको, कितनी अच्छी डेवलप है रूट इसकी। जिस प्रकार से मिट्टी में रूट डेवलप होती है मित्रों, उसी प्रकार से पानी में भी इसकी रूट डेवलप होती है दोस्तों। यह लेमन ग्रास का पौधा है, इसे नींबू घास और जराकुस के नाम से भी जानते हैं। यह मिट्टी में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और साथ ही साथ देखिए पानी में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। नीचे इसमें जड़ होती है और जड़ को अगर अलग अलग कर लिया जाए, निकाल लिया जाए और इसको पानी में लगाया जाए, तो देखिए आपके सामने इसे मैंने पानी में ग्रो किया है, शीशे के बर्तन में, शीशे के गिलास में, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और ये लो मेंटेनेंस का पौधा है, साथ ही साथ इसे धूप बहुत पसंद है, धूप में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है दोस्तों। यह एक आयुर्वेदिक पौधा है, साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। दोस्तों ये वांडरिंग जू का पौधा है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितनी सुंदर इसकी स्टेम है, देखिए पत्तियां भी देखिए इसकी। और ये मिट्टी में भी लगाया जाता है, साथ ही साथ ये मित्रों पानी में भी, देखिए मैंने इसे लगाया हुआ है। ये लो मेंटेनेंस का पौधा है और इसे ज़्यादा पानी और ज़्यादा धूप से ज़रूर बचाना है दोस्तों। यह इंडोर प्लांट है और अगर आप इसे बाहर खुले में रखना चाहते हैं तो शेडेड एरिया में आपको इसे रखना पड़ेगा। मैंने इसे देखिए पानी में लगाया था और इसकी रूट्स देखिए आ गई हैं, देखिए मित्रों ये रूट्स आई हुई है। जितनी भी मैंने स्टेम डाली थी सभी में रूट आ गई है, देखिए देखिए रूट आई हुई है सब में, और बहुत अच्छी ग्रोथ पानी में भी इसकी होती है और काफ़ी ये पौधा सजावटी पौधा है। लेकिन हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि पानी इसमें उतना ही रखना है, देखिए ये पत्ती से नीचे होना चाहिए पानी, ये पत्ती है देखिए, मैंने देखिए पत्ती से नीचे पानी है, यानी पत्ती पानी में नहीं जानी चाहिए। अगर पत्ती पानी में चली गई तो पत्ती सड़ जाएगी, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। यह है पोटरका का पौधा, इसे 9 o'clock और 10 o'clock के नाम से भी जानते हैं। ये खास तौर से बाहर का यानी धूप का पौधा है ये, और ये मिट्टी में भी ग्रो होता है, साथ साथ पानी में भी देखिए ग्रो होता है ये। और जब धूप होती है उस समय पर ये सुबह खिलता है। ये मैंने मिट्टी में लगा रखा है और देखिए पानी में भी जो लगा रखा है मैंने, देखिए इसमें भी रूट डेवलप हो रही है। देखिए मित्रों बहुत ध्यान से देखिए, इसे धूप में रखना पड़ेगा, देखिए ये इसकी रूट्स हैं, देखिए पानी इसमें थोड़ा ही रखना है, उतना पानी रखना है जितना इसकी स्टेम यानी ऊपर की पत्तियां जो ये देख रहे हैं ये पानी के अंदर ना जाने तो सड़ जाएंगी, और इसकी अच्छी ग्रोथ इस प्रकार से होती है। ध्यान ये देना है मित्रों कि जब भी लगाते हैं शीशे के ग्लास में लगाइए या प्लास्टिक की बोतल में लगाइए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये लो मेंटेनेंस का पौधा है और मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि ट्रांसपेरेंट ग्लास में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी रूट कितनी डेवलप हुई ये देखिए दिखाई देती है, देखिए इसमें दिखाई दे रही है मित्रों। ये पुदीने का पौधा है और मैंने कई पॉट में लगाए हुए हैं इसको, और अभी कुछ दिन पहले इसकी मैंने प्रूनिंग किया था और प्रूनिंग के बाद इसमें खाद डाली थी और ग्रोथ हो रही है। और ये मिट्टी में लगे हुए हैं पूरे के पूरे पुदीने, और मिट्टी के साथ साथ मित्रों ये पानी में भी ग्रो होता है। और इसकी देखिए मैं आपको रूट्स दिखाता हूँ, देखिए मित्रों ये रूट्स है इसकी, अच्छी ग्रोथ है इसकी, तो आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि इसकी रूट ही केवल पानी में होनी चाहिए,
पत्ती यानी ऊपर का पोर्शन पानी में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और शीशे के ग्लास में ही आपने इसे ग्रो करना है जो ट्रांसपेरेंट हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मित्रों, पानी में ग्रो करने के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं। देखिए ये पुदीना है, थोड़ा हार्ड स्टेम होनी चाहिए इसकी। देखिए ये, इसको ऐसे तोड़ लिया और उसके बाद में इसको ऐसे पानी में, देखिए ऊपर की थोड़ी पत्ती निकाल लिया, देखिए ये ऊपर की थोड़ी पत्ती निकाल लिया और ये पोर्शन पानी में ऐसे डाल दीजिए। देखिए बस अपने आप ग्रो हो जाएगा, रूट निकल आएगी। मित्रों, ये अम्ब्रेला पाम का पौधा है और अच्छी ग्रोथ है इसकी और लो मेंटेनेंस का पौधा है ये। इसे शेडेड एरिया में रखना ठीक है, ज़्यादा धूप इसमें नहीं लगनी चाहिए। और ये मैंने मिट्टी में इसको ग्रो किया है और ये मित्रों पानी में भी ग्रो होता है। देखिए मैंने जो पहले इसे पानी में ग्रो किया था, देखिए इसमें रूट्स आई हुई है, कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। इसको जब भी ग्रो करना है मित्रों तो इस प्रकार से छाते के तरीके इसकी आकृति होती है, ये नीचे से तोड़ लीजिए इसको। देखिए ये तोड़ लिया, अब इसको जो ऊपर की पत्ती है इसको भी थोड़ा निकाल लेना है। अब ये देखिए इसको ऐसे उल्टा करना है, ऐसे उल्टा करके और पानी में आप डाल दीजिए। देखिए और कुछ दिन में आप देखेंगे कि ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप इस प्लांट को देख रहे हैं, इसे स्नेक प्लांट नाक पौधा कहते हैं, इसे सेंसवेरिया प्लांट और गुड लक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसकी तकरीबन 70 प्रजातियां हैं। इसकी सभी प्रजातियां पूरे वर्ष भर हरी भरी रहती हैं। दोस्तों, यह लो मेंटेनेंस वाला पौधा है, यह इंडोर प्लांट भी है, फिर भी आप बाहर ग्रीन नेट के नीचे इसे रख सकते हैं। दोस्तों, यह एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, अगर इसे आप घर के अंदर रखते हैं तो इससे इंडोर वायु प्रदूषण कम होगा, यह ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। मित्रों, मैंने इसे मिट्टी में भी लगाया है और साथ ही साथ पानी में भी लगाया है। पानी में जब लगाते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि शीशे के ग्लास में या प्लास्टिक का ग्लास हो या मेन चीज़ यह है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और देखिए इसमें, ये देखिए इसकी रूट दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। और कुछ दिन मैंने इसका वीडियो भी, कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रूट डिवीज़न के द्वारा पौधे की जड़ को अलग किया था और उसके बाद ही मैंने इस तरीके से, देखिए मैंने कई पौधे लगाए थे और इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसके साथ साथ, इस पौधे के साथ साथ मेरे पास कई पौधे और भी हैं, तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं और एज वेल एज मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डाला जाए, तो इसमें सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। देखिए मित्रों, यह है काउडंग केक और मैंने 24 घंटे पहले इसको भिगो दिया था पानी में और देखिए ये तैयार है आपके सामने, ये देखिए। तो इसे एक लीटर पानी में, अगर आप पौधा ग्रो करने के लिए एक लीटर पानी ले रहे हैं तो 50 ml, एक लीटर पानी में 50 ml 15 दिन में एक बार ज़रूर डालना है। इसी हिसाब से आप मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा पानी है तो मात्रा ज़्यादा कर लीजिए, कम पानी है तो उसी हिसाब से मात्रा आपको कम करते रहना है, 15 दिन में एक बार ज़रूर डालना है और इससे पौधे की ग्रोथ मित्रों बहुत अच्छी होती है। दूसरा ध्यान ये देना है कि गर्मी के समय में और सर्दी के समय में दोनों में पानी किस प्रकार से बदलेंगे, तो पानी 3 दिन में, गर्मी के मौसम में, अभी के मौसम में 3 दिन में पानी ज़रूर बदल देना है पॉट का, और सर्दियों में हफ्ते भर में पानी बदलें तो ठीक है। मित्रों, तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उसी हिसाब से इसका पॉट भी आपको बड़ा करते रहना है, यानी छोटे पॉट से इसको बड़े पॉट में करना है जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। मित्रों, अभी आपने देखा कि पानी में ग्रो होने वाले कौन कौन से पौधे होते हैं, मैंने इसकी जानकारी आपको दिया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग।
टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।